बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, चर्चा के दरमियान अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और चर्चा को समृद्ध करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया। इस चर्चा को समृद्ध करने के प्रयास करने वाले सभी आदरणीय साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी, उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे, और आजकल नहीं रहते, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं।